नमस्कार साथी, मैं कुंदन सर आप लोग को आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहा हूँ, जो कि है स्टेट 19 की नौकरी पक्की थी, पक्की है और पक्की रहेगी, सरकार को झुका देंगे। आप देख रहे होंगे कि नॉन मेरिट के लिए मैंने 3 दिन कितना आंदोलन, 2 बार गेट टूटा, बीएससीबी की मेरा सहयोग से गेट भी टूटा, सारा चीज हुआ, लेकिन हम लोग को नन मेरिट अब सरकार पर गलाने का काम कर रही है। सरकार की बातों में नहीं आना है, नन मेरिट और मेरिट को हम लोग अब मिल के लड़ाई लड़नी है। और हम लोग को 12 मार्च के अनुसार 24,599, 21 जून के अनुसार 6076 लोगों की नियुक्ति लेकर रहना है, क्योंकि हमारी एक फ्रेश बहाली है, 37,000 किसी भी बहाली से ताल्लुकात नहीं रखती। इसलिए आप लोग, और सरकार जो डेटा नहीं दे रही है, अगर इस डेटा पर भरोसा रखते हैं ना, इस बेटा कुंदन बाबू पर, अगर इस बेटा पर भरोसा आप लोग रखते हैं, जितने भी एसटीईटी के अभ्यर्थी हैं, तो बेटा इस अभ्यर्थी का सफल मिला के रहेगा, इस आंदोलन को सफल करा कर रहेगा। 2019 के भी आंदोलन देखे होंगे, मैंने 17 का आंदोलन किया, सफल रहा। 19 के आंदोलन में सीटेट बहाली बचा, सीटेट बहाली को बचाने का योगदान मेरी बढ़ रही है, अहम भूमिका। इस बहाली को मैं भी ज्वाइनिंग पक्की कराऊंगा, इस बेटा पर खाली एक बार विश्वास करके देखिए। आप यूट्यूब चैनल को इसको सब्सक्राइब करिए, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, उस लिंक में आप ईबीसी ओबीसी जो भी कैटेगरी में आते हैं उसको भरिए, सब्जेक्ट भरिए, और सारा चीज उसमें थोड़ा सा भरना, डेट ऑफ बर्थ भरना, एप्लीकेशन नंबर, सही सही डेटा भरिए। मैं 29 तारीख के पहले तक आपको पूरी एसटीईटी का डेटा उपलब्ध कराऊंगा कि किस सब्जेक्ट में कितने लोग पास हुए हैं। ऑटोमेटिक इसमें टेक्निकल पूरी टीम काम कर रही है, इसलिए आप डेटा को ज्यादा से ज्यादा, इस मैसेज को इतना शेयर कीजिए कि हर बीएड अभ्यर्थी के पास, हर एसटीटी अभ्यर्थी के पास पहुंच जाए और अपना डेटा फिल करे और किस सब्जेक्ट में कितना है उसको पता चले। डिस्क्रिप्शन और यूट्यूब एक चैनल भी बनाया है इसका, एसटीटी 19 पक्की, और फेसबुक पे भी शेयर कीजिए, सारे चैनल पे शेयर कीजिए। और देखिए, और 29 तारीख को आइए, एकदम जरूर आइए सचिवालय के पास। मैं पूरी तैयारी कर लिया हूँ, पूरी तैयारी, बैनर होर्डिंग बना लिया हूँ, लगभग रहने का व्यवस्था, सारे व्यवस्था। आप लोग का कोई चार्ज, पैसा नहीं है, पैसा मत लेके आइए, कुछ की जरूरत नहीं है, यहाँ पे सिर्फ जरूरत है आपका सहयोग का। 29 तारीख को 9 बजे सचिवालय के पास, इको पार्क के पास आइए, मैं सारी तैयारी कर लिया हूँ, मैं डीएम के पास भी आवेदन दिया हूँ, पटना डीएम चंद्रशेखर जी का नाम सुने होंगे, और सिटी मजिस्ट्रेट के, सारा तैयारी कर लिया हूँ। आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हर एक जिला अपना अपना मीटिंग रखिए, और हर एक जिला अपना अपना मीटिंग रख कर आइए और हमसे बात कीजिए। मेरा नंबर ये है, यूट्यूब पे हम जुड़े रहेंगे, हमेशा अपडेट कर लिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू दोस्त।